ये नागरिकता कानून का विरोध है ही नहीं, ये इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि 370 एब्रोगेशन हो गया, इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि राम मंदिर के फेवर में जजमेंट आ गया, इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ ये लोग कानून ले आए। कोई नागरिकता कानून का विरोध नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उठा के पढ़ ले, मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ उनको बेचारों को 5 साल का रिलीफ दिया गया है और उनको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं। हमारे संविधान में उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया ना, उनके भी राइट्स प्रोटेक्ट किए गए ना, तो वही राइट्स जब आपको मिलते हैं तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं, और वही राइट्स अगर दूसरे प्रोसिक्यूटेड लोगों को मिलते हैं तो वो आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं। अगर ये नागरिकता कानून का विरोध है, बस अल्लाह का नाम रहेगा इस तरह की वो नात पढ़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तेरा मेरा एक ही रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या है आप मुझे बताइए? नागरिकता में अल्लाह कहाँ से आ गया? नागरिकता में रसूल कहाँ से आ गए? नागरिकता में इस्लाम कहाँ से आ गया? यूनाइटेड नेशन की माइनॉरिटी की डेफिनेशन पढ़िए जाके, नंबर्स के हिसाब से आप माइनॉरिटी कहलाने के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते, आप माइनॉरिटी स्टेटस धर्म के आधार पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ज्यादा मैं कहती हूँ कि इस देश में क्या हम लोगों ने अनपढ़ों की फौज तैयार करी है। यहीं पर मैं बोलती हूँ कि वो जो अंग्रेज लॉर्ड मैकॉले आए थे, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब कर गए थे। क्या हम लोगों ने ये यूथ, ये पढ़े लिखे हैं, ये यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्र कहलाने लायक भी नहीं है? प्लीज आई एम सॉरी, आई एम अशेम्ड। अगर आप क्रिमिनल एक्ट करेंगे और आप एक क्रिमिनल की कैटेगरी में आएंगे तो माफ कीजिएगा, पुलिस हॉस्टल में भी घुस के मारेगी, मेस में भी घुस के मारेगी, लाइब्रेरी में भी घुस के मारेगी, जहां छुपके बैठे होंगे वहां घुस के मारेगी। देखिए, जिन्ना जरूरी नहीं है कि मेल ही हो, फीमेल जिन्नास भी हो सकते हैं, और समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, वहाँ पे जगह जगह गलियां गलियों में ममता ठाकुर के पोस्टर लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया, मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। बात करेंगे कैब को, जो अब CAA हो चुका है, एक्ट हो चुका है, जिस पे विरोध चल रहा है, और विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार छात्रों के आंदोलन को दबाना चाहती है, छात्रों के विरोध को दबाना चाहती है, और एक तरीके से सरकार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या कर रही है। और आखिर कैब का विरोध किस लिए किया जा रहा है, क्या कारण है, क्या इसके पीछे सारी चीजें हैं, और विरोध इतना बढ़ जाता है कि कुछ आपने नारे सुने होंगे सोशल मीडिया पे, इसी पे चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की माननीय वकील सुबोही खान मैम जुड़ी हुई हैं। मैम से जानेंगे, मैम किस तरीके से देखते हैं जो आर्टिकल वॉयलेशंस कहा जा रहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे मैम से। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि छात्रों की आवाज दब रही है। जितेंद्र, देखिए, हर इशू पे हम लोग मोस्टली इसी चीज पे आके बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हर चीज को लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह के वर्ड्स कुछ लोग आके अपने अवार्ड वापस करने स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमने जस्ट देखा, अभी भी जस्ट रिसेंटली अवार्ड वापसी गैंग भी आ गया है। तो देखिए, जो आपने टॉपिक पूछा उस पर मैं आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक है NRC, जो कि है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उसका मतलब ये है कि इस देश के कौन लीगल नागरिक हैं और कौन लीगल नागरिक नहीं है, और इस देश के लीगल नागरिक अगर आप नहीं है तो लीगल नागरिक बनने की क्या प्रोसेस है, वो मेंशन है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में। अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था, जो अब कानून बन गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसलिए आया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को हम लोग इस देश की नागरिकता देंगे, धर्म के आधार पे नहीं, पंथ के आधार पे नहीं, परसिक्यूशन के आधार पे, कि जिन लोगों का मानवाधिकार हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, वो तीनों कंट्रीज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो मुस्लिम बहुल कंट्रीज हैं, तो वहां पे नेचुरली परसिक्यूशन मुस्लिम्स का नहीं हो रहा है। तो इस वजह से उन 6 पंथों को हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स के बेस पे नागरिकता देने का फैसला लिया। अब ये वाला जो प्रावधान है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ही आना था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 5 तरीके हैं कि आप कैसे इस देश के नागरिक बन सकते हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी पंथ को, किसी भी फेथ को बिलोंग करते हो, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है और आपको इंडियन सिटीजन बनना है, इस देश के नागरिक होने के सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से 5 तरीके हैं। पहला होता है बाय बर्थ, यानी कि जब जन्म, अगर आपका जन्म हुआ इस देश में तो आप इस देश के नागरिक हैं। एक होता है बाय डिसेंट, यानी कि वंश, अगर आपके पेरेंट्स भी इस भारत में जन्मे हैं तो भी आप इस देश के नागरिक हैं। तीसरा होता है बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, कि कुछ भी नहीं है लेकिन आप फिर भी नागरिकता लेना चाहते हैं इंडिया की, तो आप प्रॉपरली लीगल प्रोसेस के थ्रू फॉलो करिए, अप्लाई करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप नागरिक बन सकते हैं। एक होता है नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिकरण, इसका मतलब होता है कि अगर आप पिछले 11 साल से इस देश में रह रहे हैं तो भी आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट होता है अधिग्रहण,
कि यानी कि भारत ने अगर किसी क्षेत्र की सीमा को अधिग्रहित कर लिया है तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी क्योंकि वो पार्ट हमारी कंट्री में आ गया। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो ये अमेंडमेंट हुआ है, जो हम प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को जो नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, वो हम नेचुरलाइजेशन वाली कैटेगरी में देने की बात कर रहे हैं, प्राकृतिकरण। यानी कि अगर आप इन 6 पंथों के अलावा और किसी भी पंथ को बिलोंग करते हैं तो आप पिछले 11 साल से अगर इस देश में रह रहे हैं तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उन लोगों को एक रिलीफ दे दिया गया है कि 11 साल के बजाय अगर आप प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं इन 3 देशों के, तो आप अगर 5 साल से भी रह रहे हैं तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी उनको रिलीफ दिया जा रहा है ह्यूमन राइट्स के बेस पे। आप 11, आपके लिए वो टर्म 11 साल है, उनके लिए वो टर्म 5 साल है। सिर्फ 5 साल का जो उनको रिलीफ दे दिया जा रहा है उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल इस देश में क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, ना तो ये धर्म से रिलेटेड कोई बात है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 जो होता है वो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी समानता का अधिकार सब नागरिकों को। तो इसमें इक्वालिटी किसकी कहां जा रही है? जो आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्लॉज है कि उचित आधारों पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूं कि 1947 में जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ था और कुछ चंद मुसलमान बाय चॉइस यहां पे रुक गए थे, तो क्योंकि वो उस वक्त नंबर्स में कम थे तो उनके ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, ताकि उनका प्रोसिक्यूशन ना हो, हालांकि हम लोगों की भारतीय संस्कृति में वायलेंस नहीं है, बट स्टिल उनका प्रोसिक्यूशन ना हो, हमारे संविधान में उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया ना, उनके भी राइट्स प्रोटेक्ट किए गए ना, तो वही राइट्स जब आपको मिलते हैं तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं, और वही राइट्स अगर दूसरे प्रोसिक्यूटेड लोगों को मिलते हैं तो वो आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं। ये दोगलापन मुझे इन लोगों का समझ नहीं आता है। आर्टिकल 15 की दुहाई देते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे तो ये है ही नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिनका मजहबी अत्याचार हुआ है उन इस्लामिक कंट्रीज में या उन मुस्लिम बहुल कंट्रीज में, उन लोगों को ह्यूमन राइट्स के बेस पे दिया जा रहा है, तो आर्टिकल 15 का भी वायलेशन नहीं है। बोल रहे हैं आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ। आप एक बात बताइए, आर्टिकल 21 का वायलेशन क्या किसी को नागरिकता देना, क्या उनको नागरिकता मिलने से आपका कोई राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है? आप क्या बात करते हैं? राइट टू लाइफ तो आप वायलेट कर रहे हैं जो आप लोग सड़कों पे उतरे पड़े हैं, आप बसें जला रहे हैं, आप पथराव कर रहे हैं, आप पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आप जो है किस तरह के नारे इस देश में लगा रहे हैं, हमने सबने सुना। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ये छात्र हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट है, और एक तरफ आप बोल रहे हैं नागरिकता कानून का विरोध है। इन तीनों बातों का आप मुझे जवाब दीजिए। क्या ये छात्र हैं जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट है या ये उग्रवाद है? क्या वो छात्र कहलाने की कैटेगरी में आते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो वो नारे लगा रहे हैं, अगर ये नागरिकता कानून का विरोध है तो हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर, ये क्या है अगर ये नागरिकता कानून का विरोध है? बस अल्लाह का नाम रहेगा, इस तरह की वो नात पढ़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तेरा मेरा एक ही रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या है? आप मुझे बताइए, नागरिकता में अल्लाह कहां से आ गया? नागरिकता में रसूल कहां से आ गए? नागरिकता में इस्लाम कहां से आ गया? तो ये जो ये लोग कर रहे हैं, ये देखिए जितेंद्र, इसके मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, वो प्रॉब्लम कोई मल्टी डायमेंशनल है, वो मल्टी फेसेटेड है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, उसमें ये अवार्ड वापसी गैंग है जिन्होंने नागरिकता कानून के विरोध में अवार्ड अभी वापस देने भी शुरू स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें कुछ राजसत्ता वाले लोग हैं जो मुस्लिम अपीजमेंट करके या वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अपनी राजसत्ता चलाना चाहते हैं, उसमें कुछ धर्मसत्ता वाले लोग हैं जिनका एक इस्लामिक स्टेट बनाने का वहां भी एजेंडा है। तो वो सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और मैं बोलती हूँ कि ये एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हुआ है हमारे देश के लिए, कि हम लोगों को पता चल गया है, स्पेशली जो हमारे देश का यूथ है जो कि प्रिपरेशन कर रहा होगा क्रिसमस सेलिब्रेट करने की, सेंटा क्लॉस क्रिसमस ट्री सजाने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स कैसे पे करें ये सोच रहे होंगे, कौन सी ब्रांड खरीदेंगे हम न्यू ईयर पे ये सोच रहे होंगे। ये उन्हें देखना, समझना और उनके ये रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी था कि उनकी नाक के नीचे देश के अंदर एक एंटी नेशनल फोर्स जगह जगह कोने कोने में ना ही सिर्फ पनप रही है बल्कि पल के तैयार हो चुकी है। वो कितना बड़ा नेशनल थ्रेट है ये सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन, मेरे लिए, आपके लिए, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, सब भारतीयों के लिए समझने की जरूरत है कि ये लोग बेनकाब हो रहे हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस कितना है आप देखिए, कि पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स तो 3,000 हैं, प्रोटेस्टर 27,000, 30,000 प्रोटेस्टर्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा 27,000 है वो कहां से आ गए? और वहां जो पेट्रोल बम
और जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं पत्थर, जो वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीजें कोई एक दिन की तैयारी नहीं है। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई इतने पत्थर या इतने पेट्रोल बम या इतने हथियार कोई वहां पे जमा एक दिन में नहीं हो गए होंगे। तो इसका मतलब कि ये प्रिपरेशन चल रही थी, ये स्ट्रैटेजी बहुत टाइम से चल रही थी। अभी दिल्ली की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एक नेता अमानतुल्ला खान ने एक मैंने उनकी स्पीच देखी। मैं कोई व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस की बात नहीं कर रही हूँ जितेंद्र, मैंने उनकी स्पीच देखी। कितने ज्यादा इमोशनली धार्मिक भावना इंसाइट करने वाली उनकी स्पीच थी, और एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काने की उनकी स्पीच थी, वायलेंस इंस्टिगेट करने की उनकी स्पीच थी, सरकार के खिलाफ देश में एक अराजकता फैलाने की और एक सरकार के खिलाफ एक वॉर वेज करने की उनकी स्पीच थी। कितने सारे आईपीसी के चार्जेस लगते हैं उनके ऊपर आपको अंदाजा है? कितने सारे पीनल प्रोविजंस लगते हैं आपको अंदाजा है? उनकी स्पीच सीधी सीधी ये थी, हमने 1000 साल तक इस मुल्क पे राज किया है, ये हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते, कल को ये हमें दाढ़ी रखने से रोक देंगे, कल को ये हमें बुरका पहनने से रोक देंगे, इन्होंने ट्रिपल तलाक कानून लाया हमने कुछ नहीं किया। तो आप ये देखिए कि इनकी ये नागरिकता कानून का विरोध है ही नहीं, ये इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि 370 एब्रोगेशन हो गया, कश्मीर जो आतंकवाद के हाथों में चला गया तो वो हम वापस लौटा के ले आए। इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि राम मंदिर के फेवर में जजमेंट आ गया, जो हमारी देश की संस्कृति, जो मैं हमेशा बोलती हूँ रामत्व, इस देश की जो आइडियोलॉजी है उसको ये लोग नष्ट कर चुके थे ऑलमोस्ट, वो वापस हमारे पास आ गई। इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ ये लोग कानून ले आए, जो इन लोगों ने अपनी सोसाइटी में महिलाओं का उत्पीड़न तो छोड़िए, हलाला के नाम पे सीधे सीधे बलात्कार हो रहे थे, वो रुक गया तो इनकी पितृ सत्तात्मक जो व्यवस्था थी उस पे अटैक हो गया। तो ये इनकी ये वाली भी फ्रस्ट्रेशन है जो बोल रही है कि कोई नागरिकता कानून का विरोध नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उठा के पढ़ ले, मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ उनको बेचारों को 5 साल का रिलीफ दिया गया है और उनको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं। एक बात प्लीज जितेंद्र बोलने दीजिए, और इस देश के जो मुसलमान हैं उनको माइनॉरिटी होने की वजह से कितने स्पेशल प्रिविलेजेस देश में मिलते हैं, क्या वो उनको कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है? जब आपको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था तब आप माइनॉरिटी थे, आज आप 30-35 करोड़ हो रहे हैं, आज आप माइनॉरिटी नहीं है, आज आप नंबर के हिसाब से आप माइनॉरिटी नहीं है। यूनाइटेड नेशन की माइनॉरिटी की डेफिनेशन पढ़िए जाके, नंबर्स के हिसाब से आप माइनॉरिटी कहलाने के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते, आप माइनॉरिटी स्टेटस धर्म के आधार पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपको परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है तो अपना माइनॉरिटी स्टेटस भी आपको छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़िए कि नहीं हमें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए, फिर यहाँ पे दोगलापन मत करिए। मगर मैम सवाल ये विपक्ष द्वारा उठ रहा है कि आपने हिंदू सिख बौद्ध जैन क्रिश्चियन सबको दे दिया, अहमदियाज पे भी अत्याचार हो रहा है, वो कह रहे हैं सियाज पे भी अत्याचार हो रहा है, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? लगातार आपने सबको तो दे दिया, इन दो को क्यों छोड़ दिया? देखिए जितेंद्र, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बात मेरे दिमाग में भी एक बार आई थी। मुझे ये लगा था कि देखिए पाकिस्तान में शियाओं का भी बहुत प्रोसिक्यूशन हो रहा है, शियाज आर ऑल्सो प्रोसिक्यूटेड इन पाकिस्तान, तो मुझे लगा था कि हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में, जब ये कानून नहीं बना था, जब प्रपोजल ही चल रहा था, तो आई वॉज थिंकिंग कि शियाज भी इन्वॉल्व होने चाहिए। फिर मैंने उसकी स्टडी करी तो इस्लाम के अंदर इन लोगों ने 72 फिरके बना रखे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में आप जाके देखिए 72 फिरकाज 73 फिरकाज, एक फिरका दूसरे फिरके के खून का प्यासा है, इतने सेक्ट्स आपने बना लिए हैं। तो उस हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान को ही हमें नागरिकता देनी पड़ती है यहाँ की, तो वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं था। तो इसलिए मुझे लगा कि जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी राइट्स की, उनकी किसी चीज की कोई हक तलफी नहीं हो रही है, वो जबरदस्ती, मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग तो कुछ स्टूडेंट्स या कुछ यूथ जो कर रहे हैं उसमें से बहुत से तो जानते ही नहीं है। आप पूछिए कि एनआरसी की फुल फॉर्म क्या है, उन्हें नहीं पता होगी। आप पूछिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, उन्हें नहीं पता है। उन्हें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आपका पढ़ा लिखा होना और आपका एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना सब बेकार है, अगर आप इतने अनपढ़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं, इतने धर्मांधों की तरह बिहेव कर रहे हैं कि आपको कोई भी वरगला रहा है, चाहे वो राजसत्ता चलाने के लिए वरगला रहा हो, चाहे वो धर्मसत्ता चलाने के लिए वरगला रहा हो, अगर कोई आपको इंसाइट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, प्रोवोकेट कर रहा है, तो जाके पढ़िए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली क्या प्रोविजन है, क्या ऐसा अधिकार दे दिया उनको जो आपको इतने अपने अधिकार खतरे में नजर आ रहे हैं।
मैम सवाल तो ये भी उठता है, इसको सीधा सीधा जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है इसको एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है, और मुसलमानों को विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी तो कैब लाया गया है, जब एनआरसी लाई जाएगी तो हिंदू जो होंगे बाहरी उनको नागरिकता दे दी जाएगी और जो मुस्लिम होंगे उनको तो निकाल फेंका जाएगा अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आप भारतीय हैं। जितेंद्र, जब मैंने ये बाइट स्टार्ट करी थी मैंने आपके इस सवाल का जवाब शुरू में ही दे दिया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 5 तरीके हैं नागरिक बनने के, इन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को उनमें से सिर्फ एक तरीके में सिर्फ 5 साल का रिलीफ दिया जा रहा है। आपके पास वो 5ों ऑप्शंस हैं नागरिकता के लिए अप्लाई करने का, अगर आप जन्म से नागरिक हैं तो भी आप नागरिक हैं, आपके वंशज अगर भारतीय नागरिक हैं तो भी आप नागरिक हैं, आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी नागरिक बन सकते हैं, आप अगर पिछले 11 साल से इस देश में रह रहे हैं तो भी आप नागरिक हैं, नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अधिग्रहण करने वाले क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं तो भी आप नागरिक हैं। तो आपके पास 5ों तरीके हैं नागरिक बनने के, जो उनको रिलीफ दिया जा रहा है वो रिलीफ आपको भी है। तो प्लीज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लीजिए एक बार, इतना ज्यादा मैं कहती हूँ कि इस देश में क्या हम लोगों ने अनपढ़ों की फौज तैयार करी है। यहीं पे मैं बोलती हूँ कि वो जो अंग्रेज लॉर्ड मैकॉले आए थे हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब कर गए थे, क्या हम लोगों ने ये यूथ ये पढ़े लिखे हैं, ये यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्र कहलाने लायक भी नहीं है। प्लीज आई एम सॉरी, आई एम अशेम्ड कि हमारे हिंदुस्तान में एक कानून जो बिल्कुल मतलब प्रॉपर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास होके आया है, जो कि पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे बड़े बड़े सारे लॉयर्स जो जितने वेटरन लॉयर्स हैं, हरीश सालवे जी की स्टेटमेंट आप देखिए, उन्होंने बोला था आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 किसी आर्टिकल वायलेशन नहीं है। तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आपने एक अराजकता फैला रखी है। देखिए सीधा सीधा ये लोग बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज कर रहे हैं, अब चाहे वो धर्म के आधार पे कर रहे हैं चाहे वो राजनीति के आधार पे कर रहे हैं, कर तो रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं पूरे देश के सामने। मैम आखिरी लास्ट क्वेश्चन ये है, जो ये सब हुआ मैम आपने विपक्ष को देखा होगा, विपक्ष एक साइड से जाके जामिया में होता है, छात्रों का दुख पूछने जाते हैं, छात्रों को देखने जाते हैं और कहते हैं कि आवाज दबाई जा रही है छात्रों की सरकार द्वारा, मगर मैम कभी पुलिस के दुख देखने या पुलिस के बारे में, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का कोई ह्यूमन राइट्स ही नहीं, जो ह्यूमन राइट्स का भी रवैया रहा है लगातार इस देश में, हमें से सिक्योरिटी एजेंसीज को इग्नोर करा गया है, 8 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल होते हैं मगर उन्हें कोई नहीं पूछता, आज रॉड से मारा गया है पुलिस वालों को, सीलमपुर में पूरी वीडियो आई है पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, ये किस तरीके का छात्र आंदोलन है? देखिए जितेंद्र, मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि जो लोग मिसकंसेप्शन में कर रहे हैं उनको चलिए हम फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देके छात्र बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग डेलिबरेटली धर्म से रिलेटेड नारे लगा रहे हैं, जो लोग डेलिबरेटली क्रिमिनल एक्ट्स कर रहे हैं, आपने अपने कैंपस के बाहर आके पत्थरबाजी करी, ठीक है, आपने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी, आपने नारे करे, आपने एक अराजकता फैलाई, आपने लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया। तो देखिए पुलिस उस टाइम पे जब एक लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसी है तो कोई वो उस टाइम फोन करके नहीं पूछेगी कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप क्रिमिनल एक्ट करेंगे और आप एक क्रिमिनल की कैटेगरी में आएंगे तो माफ कीजिएगा पुलिस हॉस्टल में भी घुस के मारेगी, मेस में भी घुस के मारेगी, लाइब्रेरी में भी घुस के मारेगी, जहां छुपके बैठे होंगे वहां घुस के मारेगी, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आते हैं, आप पुलिस की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जो कार्य प्रणाली है जो उनका काम करने का आप उसके अंदर आते हैं और आपको उससे कोई नहीं बचा सकता, आप छात्र होने का डिफेंस एक क्रिमिनल होने के बाद यूज नहीं कर सकते हैं। इतना अच्छा बिल है तो पंजाब ने मना कर दिया है, पश्चिम बंगाल ने मना कर दिया, राजस्थान ने मना कर दिया, मध्य प्रदेश ने मना कर दिया, इन राज्यों ने आखिर इतने अच्छी चीज को जो आप बता रही हैं तो इसको आखिर कैंसिल करने की बात क्यों कर दी है? ममता बनर्जी तो ये तक बोल दिया कि ये तो मेरी लास्ट से होकर गुजरेगा। देखिए जिन स्टेट्स के आपने नाम लिए मोस्टली उनमें विधर्मी सरकारें हैं, उनमें से काफी स्टेट्स में, तो वो विधर्मी मैं इसलिए बोलती हूँ कि देखिए जितेंद्र एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जब भी मैं अपनी हर बाइट में जब भी मैं धर्म वर्ड यूज करती हूँ तो उसको प्लीज धार्मिक सेंस में मत लीजिए, धर्म का जो मतलब है उसका मतलब है कर्तव्य पालन, धर्म का मतलब होता है सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना, सच बोलना, राइटियसनेस इज धर्म। तो जो विधर्मी सरकारें हैं वो इस बिल के खिलाफ नेचुरली हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है, उनकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से जो राजसत्ता चलती है वो पूरी नहीं हो रही है, धर्मांध लोगों को की जो धर्म सत्ता है उस पे ब्लो लग रहा है, तो इस वजह से ये लोग इसके खिलाफ हैं। आपने ममता बनर्जी जी का नाम लिया तो उन्हीं का मैं आपको लाइव एग्जाम्पल अभी दे देती हूँ। अभी मैं जस्ट एक हफ्ता बंगाल में रहकर आई हूँ, काम करके आई हूँ, ग्राउंड वर्क करके आई हूँ, वहां पे लैंड करते ही तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने एक धर्म सम्मेलन रोक दिया,
वो धर्म सम्मेलन जो कि बहुत पीसफुल तरह से हो रहा था, एक साध्वी सरस्वती जी थी उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, उनको उस धर्म सम्मेलन में जाने नहीं दिया गया, मैमथ गैदरिंग थी वहां पे, पीसफुली वेट कर रहे थे, उस धर्म सम्मेलन को रोक दिया। और उसी वेस्ट बंगाल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में और एनआरसी के विरोध में मासिव वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो नहीं रोके जा रहे हैं उनसे, रेलवे की पटरियां तोड़ दी जा रही हैं, ट्रेन्स में आग लगा दी जा रही है, हाईवे पे पर्सनल प्राइवेट गाड़ियां जला दी जा रही हैं, 25 से ज्यादा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बसेस में आग लगा दी गई है, एक अराजकता का माहौल पूरे वेस्ट बंगाल में, जाम लगे पड़े हैं सड़कों में, बुरा हाल है उस स्टेट का, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं ये लागू नहीं होने दूंगी। वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें देखी जितेंद्र, जिनसे मुझे ये पता चल गया है कि ममता बनर्जी जी किस डायरेक्शन में जा रही हैं। देखिए, जिन्ना जरूरी नहीं है कि मेल ही हो, फीमेल जिन्नास भी हो सकते हैं, और समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, वहां पे जगह जगह गलियां गलियों में ममता ठाकुर के पोस्टर लगे हुए हैं। कौन है ममता ठाकुर? क्या ममता बनर्जी का लास्ट नेम ठाकुर है? बंगाल में ठाकुर जो है एक उपाधि मानी जाती है, भगवान के लिए इस्तेमाल करी जाती है, तो वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने आप को भगवान मानी हुई स्टेट का एक तानाशाही डिक्टेटरशिप उन्होंने चला रखी है कि गली गली में कूचे कूचे में ममता ठाकुर के पोस्टर्स लगे हैं। पूरी स्टेट में सिर्फ एक जगह मुझे तिरंगा झंडा दिखा है, जगह जगह ममता ठाकुर के पोस्टर लगे हैं। एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि कलकत्ता शहर का नाम जिस मंदिर के ऊपर पड़ा है, कालीघाट मंदिर, हमारे देश में जो शक्तिपीठ है उनमें से एक वो शक्तिपीठ मंदिर है, कालीघाट मंदिर बहुत मशहूर मंदिर है। आप उस मंदिर की स्थिति जाके देखिए, उस मंदिर की रेलेवेंस है उस शहर के लिए, कोलकाता का नाम उस मंदिर के ऊपर पड़ा है, काली माँ के वर्ल्ड में है। देखिए उस मंदिर की आप हालत जाके देखिए जितेंद्र, टूटा पूटा खंडर जर्जर विलुप्त होने की कगार पे वो मंदिर की उसकी स्थिति, और आप वहां पे हज हाउस देखिए, ऐसे महल की तरह वो हज हाउस बने हुए हैं और उस पर बड़ा बड़ा लिखा है हज हाउस कम एम्पावरमेंट सेंटर। और कितना एम्पावरमेंट करेंगे आप भाई, तकरीरें हो रही हैं सड़कों पे, आग लगा रहे हैं वो लोग। वहां पे कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ उस स्टेट में कुछ मोहल्ले ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जिनको खुले तौर पे मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। एक डेमोक्रेटिक, एक आजाद हिंदुस्तान में एक स्टेट के अंदर आप इतने सारे आपने एरियाज बना रखे हैं जिन जो हब हैं टेरर के, जहां पे कानून व्यवस्था नहीं है, जहां पुलिस अंदर एंटर नहीं हो सकती, आप फखर के साथ उस वहां के मेयर उसको फखर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। तो देखिए ममता बनर्जी का तो मुझे एजेंडा यही दिख रहा है कि शायद वो ये चाह रही हैं कि मैं इसको पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दूं, उसके बाद मैं इसको, जैसे कि पहले धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था देश का, शायद मैं ये टुकड़ा देश से अलग करने में कामयाब हो जाऊं और प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो वो जिन्ना बनने की तैयारी में है। तो ये हम लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। जो लोग कंफ्यूजन में इस कानून का विरोध कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता नहीं है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, बस उन्हें भड़काया जा रहा है। मैं उन लोगों से ये अपील करती हूं कि देखिए, ना तो मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है, ना ही किसी भी पंथ के इंसान के खिलाफ ये कानून है। एनआरसी की एक्सरसाइज एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है कि हमारे देश में जो घुसपैठी हैं उनकी मैपिंग होनी बहुत जरूरी है, वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आई है, ये सिर्फ कुछ चंद पंथों के कुछ चंद लोग जिनका ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है उसके ऊपर एक प्रावधान लाया गया है। तो इसलिए प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइए, कुछ एंटी मुस्लिम नहीं हो रहा है इस देश में, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहा है इस देश में, सिर्फ राजसत्ता और धर्मसत्ता वाले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखा के आप लोगों को भड़का के आपको आपके ही देश के टुकड़े करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और बहुत लोग इसको अनजाने में कर रहे हैं, बहुत लोग इसको जानबूझ के कर रहे हैं। तो जो लोग अनजाने में कर रहे हैं प्लीज पढ़ लीजिए, और जो लोग जानबूझ के कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि इस देश का युवा अब जाग चुका है, उन लोगों की राजनीति और देश को टुकड़े करने वाली मानसिकता इस देश में अब नहीं चलेगी। अब हम लोग जो है एक्चुअली में अपने इटर्नल और स्ट्रांग और आर्यवर्त भारत की तरफ चल चुके हैं। तो ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, इनका कुछ भी अब इस मुल्क में चलने वाला नहीं है, ना इनकी दाल गलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छा, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप सीए के बारे में किस तरीके से देखते हैं, और जो प्रदर्शन प्रक्रिया चल रही है और विपक्ष द्वारा बोला जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन को दबाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी कहते हैं कि इसमें सारा का सारा हाथ जो है वो भाजपा का करा हुआ है, भाजपा डर गई है मुझसे, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी भी कुछ लोगों में इसको लेके भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कैब क्या है, एनआरसी क्या है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाइए, और अभी भी जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनकी नींद तोड़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।